मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2012-13 में बहुत मुश्किल से हमने बठिंडा में एक एयरपोर्ट खोला था, तकरीबन 200 किलोमीटर के रेडियस से आधा हरियाणा, जयपुर से लेके इधर तक पूरा फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, ये सारे एरिया 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए इकलौता ये बठिंडा एयरपोर्ट था। बठिंडा में सर हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट आर्मी कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन है, एम्स का अस्पताल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑयल रिफाइनरी है, 3-3 थर्मल प्लांट्स है सर। सर ये 2013 से एयरपोर्ट बन गया और 2016 में जाके वहाँ पे फ्लाइटें शुरू हुई दिल्ली से बठिंडा और दिल्ली से जम्मू तक। सर ये 3 बारी हफ्ते में शुरू हुई और 5 बारी तक चली गई क्योंकि इसका पैसेंजर फुटफॉल इतना ज्यादा था कि 80% फ्लाइट पुर जाती थी, लेकिन एकदम से नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है और जो बेचारा वहाँ मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पिछली सरकार जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सर। सर मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 2012-13 में बहुत मुश्किल से हमने बठिंडा में एक एयरपोर्ट खोला था, तकरीबन 200 किलोमीटर के रेडियस से आधा हरियाणा, जयपुर से लेके इधर तक पूरा फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, ये सारे एरिया 200 किलोमीटर को कवर करने के लिए इकलौता ये बठिंडा एयरपोर्ट था। बठिंडा में सर हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट आर्मी कंटोनमेंट है, एयरफोर्स स्टेशन है, एम्स का अस्पताल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऑयल रिफाइनरी है, 3-3 थर्मल प्लांट्स है सर। सर ये 2013 से एयरपोर्ट बन गया और 2016 में जाके वहाँ पे फ्लाइटें शुरू हुई दिल्ली से बठिंडा और दिल्ली से जम्मू तक। सर ये 3 बारी हफ्ते में शुरू हुई और 5 बारी तक चली गई क्योंकि इसका पैसेंजर फुटफॉल इतना ज्यादा था कि 80% फ्लाइट पुर जाती थी, लेकिन एकदम से नवंबर 2020 में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई, जिससे उधर के लोगों को बिजनेस का भी नुकसान हुआ है और जो बेचारा वहाँ मुलाजिम 4 दिन की छुट्टी जाता है, 1 दिन उसका निकल जाता है दिल्ली तक बाय रोड जाने के लिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या पिछली सरकार जिसका वित्त मंत्री भी इधर से थे, जहाँ के ट्रांसपोर्ट मंत्री भी इधर से थे, ट्रांसपोर्ट बंद करने में तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों के लिए ये एयर ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव भेजा? और जो नहीं भेजा तो क्या ये सरकार बठिंडा एयरपोर्ट में एक बार फिर फ्लाइट शुरू करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे और कितनी जल्दी करेंगे? शुक्रिया सर।